वारिस पंजाब दे के प्रमुख समर्थक अमृतपाल सिंह की आठवें दिन भी तलाश हो रही है। इस बीच पंजाब पुलिस के कुछ टीमें दिल्ली पहुंची है। आईएसबीटी कश्मीरी गेट में पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगी है जिसे अभी वायरल नहीं किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन सीसीटीवी में अमृतपाल सिंह साधु के भेष में नजर आया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन दिल्ली में शुरू किया है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। वहीं इंदौर में सुखा नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। कुरुक्षेत्र में पकड़ी गई महिला बलजीत कौर के फोन से इसी व्यक्ति को फोन किया गया था। शुरुआती जांच में पता चला कि सुखा अमृतसर का ही रहने वाला है और पिछले कुछ समय से इंदौर में शिफ्ट हुआ है। वहीं एक सीसीटीवी और सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसका साथी पपलप्रीत लुधियाना की सड़क पर दिखा है। उसकी 18 मार्च की रात की सीसीटीवी भी सामने आई है जिसमें अमृतपाल गुलाबी रंग की पगड़ी पहने पपलप्रीत के साथ सड़क पर दिखे गया है और इस तरह का दावा किया जा रहा है। वारिस पंजाब दी के प्रमुख अमृतपाल सिंह की आठवें दिन भी तलाश जारी है और इसी बीच पंजाब पुलिस की कुछ टीमें दिल्ली पहुंची है और दिल्ली पहुंचने के बाद आईएसबीटी कश्मीरी गेट में पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगी है जिसे अभी वायरल नहीं किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन सीसीटीवी में अमृतपाल सिंह साधु के भेष में नजर आया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन दिल्ली में शुरू किया है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। वहीं इंदौर में सुखा नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और इसी बीच कुरुक्षेत्र में पकड़ी गई महिला बलजीत कौर के फोन से इसी व्यक्ति को फोन किया गया था, ऐसा सामने आ रहा है मामला। और शुरुआती जांच में पता चला है कि सुखा अमृतसर का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से इंदौर में शिफ्ट हुआ है। वहीं एक सीसीटीवी फुटेज यह भी सामने आया है कि जिसमें दावा किया गया है कि वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह का और उसका साथी पपलप्रीत लुधियाना के सड़क पर दिखा। उसकी 18 मार्च की रात की सीसीटीवी भी सामने आई है जिसमें अमृतपाल गुलाबी रंग की पगड़ी पहने पपलप्रीत के साथ सड़क पर दिखा है। इस तरह का दावा किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। आपको बता दें कि वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का जो है आठवें दिन भी तलाश जारी है और इसी बीच पंजाब पुलिस जो है वो दिल्ली पहुंची है और आईएसबीटी कश्मीरी गेट में पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगी है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए अमित सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सेठी जी, वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के आठवें दिन भी तलाश जारी है और इसी बीच जो है पंजाब पुलिस की कुछ टीमें दिल्ली पहुंची है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, पिछले लंबे अरसे से जो है अमृतपाल की तलाश जो है वो जारी है और पुलिस के हाथ जो है अलग अलग जगह से सीसीटीवी लग रही है। अगर पंजाब की बात की जाए, चाहे हरियाणा की बात की जाए, अब एक नई सीसीटीवी जो है की बात चल रही है कि दिल्ली आईएसबीटी की बताई जा रही है कि दिल्ली आईएसबीटी की जो सीसीटीवी है वो पुलिस के हाथ में लगी है। हालांकि सीसीटीवी जो है, सीसीटीवी का दौर जो है देखने को बार बार मिल रहा है, सीसीटीवी फुटेज जो है पूरे मामले में सामने आ रही है और कहीं ना कहीं अमृतपाल जो है सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। अगर पुलिस की बात की जाए, पुलिस भी जगह जगह छापेमारी कर रही है और अभी पुलिस के हाथ जो है अमृतपाल जो है नहीं लगा। जी, जैसे कि अमृतपाल पे कुछ इनाम भी घोषित किए गए हैं, ऐसे में सीसीटीवी फुटेज लगातार सामने आ रही है, प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रही है उनको धर दबोचने की, लेकिन इसी बीच जो है 18 मार्च की बात करें सीसीटीवी फुटेज में जो है उसमें अमृतपाल जो है गुलाबी रंग की पगड़ी पहने नजर आया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं जैसा आपको बताया कि सीसीटीवी का दौर जो है अब चल रहा है, सीसीटीवी जो है पुलिस के हाथ में लग रही है। एक सीसीटीवी देखने को मिली थी कि जिसमें गुलाबी पगड़ी जो है अमृतपाल ने जो है सिर पे बांधी हुई है, बाइक पे जो है वो सवार हैं, उसके बाद एक ऑटो रिक्शा है उसके ऊपर जो है बाइक को रखा हुआ है। इस तरह की अलग अलग सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में जो एक इनाम भी रखा है कि अगर कोई इंसान जो है अमृतपाल की पहचान बताता है या अमृतपाल के बारे में कुछ बताता है तो उसकी जो जांच है, जो उसका जो नाम है उसको गोपनीय रखा जाएगा। हालांकि पुलिस जो है जगह जगह छापेमारी कर रही है। जी अमित सेठी जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी बीच दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। राजीव जी, क्या लगता है, पंजाब पुलिस की कुछ टीमें दिल्ली पहुंची है और ISBT कश्मीरी गेट में जो है पुलिस के हाथ कुछ CCTV फुटेज लगी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अमृतपाल को लेकर शुक्रवार लगभग जो है वो जानकारी मिली थी कि अमृतपाल जो है ISBT कश्मीरी गेट इलाके के अंदर साधु के भेष में देखा गया है। मैंने जैसे ही की जानकारी मिली और पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस ने पहुंचकर ISBT पर लगभग कश्मीर 1 से 1.5 घंटे की करीब छानबीन की, मगर अमृतपाल तो नहीं मिला। मगर हाँ, ये जरूर है कुछ CCTV फुटेज जो है वो जरूर मिले हैं और उसको लेकर पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस जो है वो उनकी कस्टडी के अंदर है। मगर कुछ CCTV फुटेज जो है वो पंजाब पुलिस जो है वो अपने साथ भी लेकर गई है। मगर अमृतपाल को लेकर लगातार गिरफ्तारी को लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अपना कार्य करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि अमृतपाल को कितनी जल्दी गिरफ्तार किया जा सकता है। जी जी, जैसे उत्तराखंड हो या पंजाब हो या हरियाणा हो, इस तरीके जो प्रशासन जो वो अलर्ट मोड पे है, वहाँ रेड अलर्ट जारी किया है, क्या कि दिल्ली में भी इसको लेकर अमृतपाल को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें अमृतपाल को लेकर पूरे दिल्ली के ऊपर अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया है। और लगातार दिल्ली पुलिस की बात करते, दिल्ली पुलिस भी अमृतपाल की पूरी की जानकारी को लेकर कदम उठाती हुई नजर आ रही है। कल जिस तरीके से शुक्रवार को अमृतपाल जो है वो साधु के रूप में कश्मीरी गेट के अंदर देखा गया था, उसको लेकर भी पुलिस जो थी वो अलर्ट हो चुकी थी और लगातार पंजाब पुलिस के साथ कहीं ना कहीं छानबीन भी की गई। मगर अमृतपाल की कोई बड़ी पुख्ता सबूत जो थे वो नहीं मिल पाए। मगर हाँ, कुछ CCTV फुटेज जरूर मिले हैं, मगर वो दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के कस्टडी के अंदर है। मगर अब देखना होगा अमृतपाल को लेकर कितनी बड़ी कोशिशें जो की जा रही है जांच एजेंसियों के द्वारा, उसकी अमृतपाल को कब तक गिरफ्तार किया जा सकता है। जी जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच पंजाब पुलिस की कुछ टीमें दिल्ली पहुंची है और इसी बीच ISBT कश्मीरी गेट में पुलिस के हाथ कुछ CCTV फुटेज लगी है, जिसे अभी वायरल नहीं किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन CCTV में अमृतपाल सिंह साधु के वेश में नजर आया है।